नमस्कार, मैं हूं सचिन गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया था। इस दिन उन बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के कदम उठाए जाते हैं जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं। नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है। भारत के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अनुसार प्रति 110 में से एक बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है और हर 70 बालकों में से एक बालक इस बीमारी से प्रभावित होता है। भारत ने आज के दिन दूसरी बार जीता था क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराया था। श्रीलंकाई टीम ने 6 विकेट पर 274 रन बनाए थे और जवाब में भारत ने 4 विकेट गंवाकर 48.2 ओवर में 277 रन बना लिए थे। फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। यह 10वां क्रिकेट विश्व कप था और भारत ने दूसरी बार कप जीता था। इससे पूर्व 1983 में भारत क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना था। मेघालय को आज के दिन मिला था स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा। 2 अप्रैल 1970 को असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत उत्तर पूर्व में मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। मेघालय राज्य का गठन असम के 2 जिलों संयुक्त गारो जयंतिया और खासी हिल्स को मिलाकर किया गया था। 21 जनवरी 1971 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। मेघालय के उत्तर में असम और दक्षिण में बांग्लादेश है। मेघालय का छोटा सा गांव मासिनराम पृथ्वी का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहां प्रतिवर्ष 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। क्रिकेट के जादूगर रणजीत सिंह का आज के दिन हुआ था निधन। क्रिकेट के जादूगर रणजीत सिंह जी विभाजी जडेजा का निधन 2 अप्रैल 1933 को जामनगर महल में हुआ था। उन्हें रणजी नवानगर के जाम साहब कुमार रणजीत सिंह जी और स्मिथ के नाम से जाना जाता है। वे एक बेहतरीन बल्लेबाज थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका अदा की। रणजीत सिंह जी अंग्रेजी क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट मैच खेला करते थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट में ससेक्स का प्रतिनिधित्व किया। नेविल कार्ड्स ने उन्हें द मिड समर नाइट्स ड्रीम ऑफ क्रिकेट कहा था। रणजीत सिंह जी के निधन के बाद उनके सम्मान में बीसीसीआई ने 1934 में क्रिकेट सीरीज को रणजी ट्रॉफी का नाम दिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और आप आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 2 अप्रैल दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय शुभ है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाई से सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग आसमानी वसंती तथा निषेध रंग पीला और लाल। वृष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। घर में अतिथि के आने के योग है। शुभ रंग सफेद नीला और काला तथा निषेध रंग पीला और सिंदूरी। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला काला और हरा तथा निषेध रंग पीला लाल गुलाबी। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। स्थानांतरण के योग हैं। आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग है। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग हरा और लाल। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। सफलता प्राप्ति की संभावना निश्चित है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल।
कन्या आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिश्रम को बौद्धिकता का साथ मिलेगा। आपके सोच विचार में गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कुछ व्यर्थता का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग लाल पीला और सफेद। तुला आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे। ऑफिस घर सभी जगह आपके लिए सुखकारक होंगे। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद काला तथा निषेध रंग पीला और गुलाबी। वृश्चिक आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। गर्मी लू आदि से बचाव रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्चे के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। बाहरी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आवेश में आकर कोई निर्णय ना ले। लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग है। शुभ रंग बसंती स्लेटी तथा निषेध रंग काही हरा। मकर आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है। डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी। करियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग लाल और पीला। कुंभ आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं, सफलता भी प्राप्त होगी। करियर में अनुकूलता के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला लाल गुलाबी। मीन आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग है। शुभ रंग बसंती स्लेटी और निषेध रंग हरा और जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए IMT मीडिया।